बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी के यूपी लौटने से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रोपड़ पुलिस लाइन पहुंची है एम्बुलेंस, बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस पुलिस लाइन पहुंची, बड़ा अपडेट रोपड़ से हमारे पास, बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस रोपड़ जेल पहुंच गई। इसका नंबर है UP41G2776। रोपड़ पुलिस लाइन पहुंची है बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस, वही एम्बुलेंस है जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी कर रहा था जेल में रहते हुए भी। ये वही एम्बुलेंस है जो लावारिस हालत में मिली परसों रात को ढाबे के पास, और ये वही एम्बुलेंस है। इस मामले में जांच चल रही है बाराबंकी पुलिस। पहले ही आपको बता दें, बांदा की पुलिस से पहुंचने से पहले एम्बुलेंस मामले में जांच के लिए पहुंची हुई है पंजाब। और इस बीच में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जहां पर इस एम्बुलेंस को ले जाया गया। और अब ये कहा जा रहा कि हो सकता है कि जब मुख्तार का एक काफिला लौटे वापस यूपी बांदा के लिए, तो ये एम्बुलेंस भी साथ में आ सकती है। रोपड़ पुलिस लाइन पहुंच गई है ये एम्बुलेंस, इसका नंबर भी लगातार हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, बाराबंकी नंबर की एम्बुलेंस। ये देखिए आप, UP41G2776। तो यूपी नंबर की एम्बुलेंस इस्तेमाल पंजाब में हो रहा था, और इसी का कहा जा रहा है कि इसी से आता जाता था, यहां पर सारी सुविधाएं उसको इसमें मिलती थी, ये कहा गया। UP41G2776 ये वो एम्बुलेंस जो रजिस्टर्ड है यूपी के नाम से, यहां पर अलका राय के नाम से, और उस हॉस्पिटल के में इसका इस्तेमाल होता था जो कई साल पहले बंद हो चुका था। उत्तर प्रदेश से ये पंजाब कैसे पहुंची, मुख्तार अंसारी कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा था, और कैसे जेल से इसको कोटेसी से ले जाया गया, बहुत सारे सवाल हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से सीधा जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा रोपड़ जेल से सीधा कनेक्ट है, पहले उन्हीं के पास चलेंगे, लेकिन इसके अलावा बता दें आपको कि विवेक त्रिपाठी बांदा जेल से हमारे साथ कनेक्ट है, और वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम सचिन शर्मा के पास रोपड़ चलते हैं। सचिन, वहां से क्या ताजा अपडेट है, ताजा जानकारी है आपके पास? जी, इस वक्त हम रोपड़ जेल के बाहर खड़े हैं। यहाँ सरगर्मियां बढ़ गई हैं, पुलिस जो है पंजाब पुलिस के अधिकारी यहाँ आके गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो मुख्तार अंसारी को जो शिफ्ट करना है यूपी, उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। यहाँ पंजाब पुलिस जो है वो अलर्ट है, पंजाब पुलिस ने यहाँ चेक पोस्ट लगा रखे हैं, जेल के नज़दीक चेक पोस्ट लगा दिए हैं। पंजाब पुलिस तैनात की गई है यहाँ जेल के आसपास, जितने भी सड़कें हैं उनके ऊपर भी, और पुलिस खास नज़र रख रही है। तो यहाँ लगभग जो है पंजाब पुलिस की तरफ से तैयारियाँ जो हैं लगभग पूरी हैं। अब सिर्फ यूपी पुलिस जो पुलिस लाइंस में यहाँ ठहरी हुई है रोपड़ में, सिर्फ उनके आने का इंतज़ार है, और उसके बाद जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं जेल के अंदर वो पूरी की जाएंगी, और उसके बाद मुख्तार अंसारी को यूपी सचिन पुलिस कोई संवाद अब तक किया जाएगा जो पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई है, बांदा पुलिस और पंजाब रोपड़ जेल में जो भी अधिकारी हैं, क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है जब से ये टीम पहुंची है वहां पर? कोई संवाद, कोई अधिकारी गया हो बातचीत के लिए, या फिर कोई इस टीम का हिस्सा जो लीड कर रहे हैं वो आए हो, बातचीत की हो वहां पर जेल के अधिकारियों के साथ? जी, इसको लेकर हालांकि जेल के अधिकारी तो कुछ बता नहीं रहे हैं, बट क्योंकि हम सुबह से यहां खड़े हैं तो फिलहाल यूपी पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है। तो हो सकता है वो अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि लंबे सफ़र से आए हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ कोई अधिकारी आए क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जो कंप्लीट करनी है उसकी शुरुआत जो है करें। बट फिलहाल यूपी पुलिस का कोई अधिकारी यहाँ जेल के पास नहीं पहुँचा है, वो सारे यूपी पुलिस का जितना भी टीम है वो पुलिस लाइन्स में है, अभी रोपड़ में है। ठीक है सचिन, अब हम चलेंगे विवेक त्रिपाठी के पास बांदा। बांदा से क्या अपडेट है आपके पास विवेक? यहाँ पर पहुँचे हैं बांदा जेल के बाहर, और बांदा जेल में आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई है, पुलिसकर्मी जो जेल कर्मी हैं वो तैनात हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही CCTV जो लगे हैं, कैमरे लगे हैं, उसको चेक करने के लिए एक टीम आई थी। बार बार CCTV कैमरे की चेकिंग की जा रही है, सारी देखी जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है, देखी जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। जो गेट पर कैमरे लगे हैं, इसके अलावा जो जेल के अंदर कैमरे लगे हैं, बैरकों में कैमरे लगाए गए हैं, उनकी सबकी चेकिंग की गई है, और
जेल के अंदर जो सारे सुरक्षा इंतजाम हैं वो पूरे देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही जेल अधिकारी भी लगातार जो यहाँ से पुलिस टीम रोपड़ पहुँची है उसके संपर्क में है और बात कर रहे हैं कि क्या गतिविधियां वहां संचालित हो रही हैं, किस तरह से कितने बजे टीम जाएगी और कितने बजे जेल अधिकारियों से मिलेगी और मुख्तार के हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, कब तक निकलने का है, टीम कब तक मुख्तार को लेकर निकल सकती है, इन सब के बारे में यहाँ के जेल अफसर लगातार वहाँ ठीक है कम्युनिकेशन है। आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेट किया जा रहा है। एक बार अब रुक कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ विदेश पांडे का। विदेश, ये खबर इतनी गंभीर इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने देखा विकास दुबे के प्रकरण में कैसे गाड़ी पलट गई, लोगों के जहन में यही है और इसीलिए खबर इतनी बड़ी और गंभीर भी हो चले कि क्या फिर से गाड़ी पलटेगी, क्या कहीं भागने की कोशिश तो नहीं करेगा। लखनऊ में इसको लेकर किस तरह की बातें हैं और क्या मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्या वो खुद लगातार अधिकारियों के संपर्क में चीजें जान रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है? देखिए राजीव, दो तीन बातें हैं जो डेवलपमेंट है मुख्तार अंसारी को लेकर लखनऊ में, उसे एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूं। पहला डेवलपमेंट ये है कि डीजी जेल आनंद कुमार ने एबीपी गंगा से कहा है कि लगभग 12 से 1 के बीच में रोपड़ जेल से बांदा जेल के लिए रवाना हो जाएगा, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट यह है कि सुबह 7 बजे अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उन्होंने डीजी जेल आनंद कुमार से बात की, फिर उनसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की, डीजीपी एचसी अवस्थी से बात की और उसके बाद से पूरा अपडेट मुख्यमंत्री को अवनीश अवस्थी ने किया है। अब से कुछ देर बाद सूचना विभाग के जो बड़े आला अधिकारी हैं नवनीत सहगल से लेकर जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे। तो डेवलपमेंट ये है कि एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुख्तार मामले पर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री रेजिडेंस से वॉच किया जा रहा है, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को पल पल की जानकारी दी जा रही है और इस पूरे कोऑर्डिनेशन में डीजी जेल आनंद कुमार हैं, प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एचसी अवस्थी जो डीजीपी हैं और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यह सारा कुछ चल रहा है कि मुख्तार अंसारी को किस तरीके से सकुशल बांदा जेल पहुंचाया जाए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरी तैयारी लगभग 1 हफ्ते से की जा रही है और पूरी सरकार और शासन की नजर रोपड़ जेल पर है क्योंकि डीजी जेल आनंद कुमार ने एबीपी से कहा है कि 12 से 1 के बीच वो रवाना हो जाएगा, लगभग 18 घंटे लगेंगे। देखिए जो काफिले हैं वो 10 गाड़ियां हैं, उसमें काफिलों का जो की स्पीड जो है वो 50-60 से ज्यादा नहीं होती है, वज्र वाहन है, एम्बुलेंस है, तमाम तरह के जो स्पेशलाइज्ड एसटीएफ के जवान हैं, शूटर हैं, वो वहां हैं, तो सब कुछ इस तरह की का प्रतिबंध किया गया है कि कोई, जैसा आपने कहा कि गाड़ी पलट जाएगी नहीं पलट जाएगी, अब ये तो मुख्तार अंसारी के भाग्य और दुर्भाग्य में होगा कि गाड़ी पलट रही है कि नहीं पलट रही है, और लेकिन गाड़ी सकुशल बांदा जेल पहुंचे इसका इंतजाम सरकार ने कर रखा है। तो रोपड़ जेल से गाड़ी 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में रवाना होगी, लेकिन जो मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं उनके परिजन हैं इस बात की आशंका जरूर जाहिर कर रहे हैं कि कहीं उनकी गाड़ी पलट ना जाए। तो गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी इसका इंतजार कीजिए वो, या मुख्तार अंसारी बांदा जेल सकुशल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 12 से 1 के बीच में वो रवाना होगा और 18 घंटे का रास्ता है, लगभग 890 किलोमीटर है रोपड़ और बांदा की दूरी। तो ऐसे में रूट चार्ट को लेकर भी एक संशय है। संशय यह है कि लगातार जो पहले रात तक 3 रूट बने थे, लेकिन जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचाने के लिए 4 रूट पर काम किया जा रहा है, यानी एक आश्चर्य में डालने वाली बात यह होगी कि ये जो 4 रूट है वो देर रात बनाया गया है, चौथा रूट, और ऐसे में कि किस रूट से मुख्तार अंसारी बांदा पहुंचता है इस पर संशय बरकरार है और इसे एक तरह से गोपनीय रखा गया है। बिल्कुल, सारी कोशिश ही राष्ट्रीय स्तर की हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सारी कोशिश ही इसी बात की है कि रूट को लेकर कोई भी अंदाजा सही साबित ना हो और ये ऑपरेशन जैसे टॉप सीक्रेट था शुरू से, वैसे ही टॉप सीक्रेट तरीके से समाप्त हो सफलतापूर्वक। सचिन के पास एक बार फिर से चलेंगे रोपड़। सचिन, अभी एम्बुलेंस आप बता रहे हैं कि रोपड़ जेल आई है और जाहिर सी बात है आपके पास ये भी इनपुट्स होंगे कि ये आराम कर रही पुलिस की टीम जो पुलिस लाइंस में है ये कितने बजे रोपड़ जेल पहुंच जाएगी, क्या अंदाजा लग पा रहा है, क्या आपको इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस बाबत? जी बिल्कुल बिल्कुल,
इसमें असल में क्योंकि पुलिस टीम अभी रेस्ट कर रही है तो एक्सपेक्टेड यही है कि 12 बजे के बाद ही पुलिस टीम जो है यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल के अंदर जाएगी, क्योंकि शिफ्टिंग जो है जेल से अधिकारी जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल जो एक्सपेक्टेड है वो 12 बजे के बाद ही यूपी पुलिस की टीम जो है जेल के अंदर जो है जेल के प्रमाइसिस में एंटर करेगी। फिलहाल जो सूचना मिल रही है वो यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस है जो बाराबंकी की जिसमें मुख्तार अंसारी को लेके जाना है वो पुलिस लाइन जो है रोपड़ जो है पहुँच चुकी है और वो एम्बुलेंस पुलिस काफिले के साथ जो है फिर यहाँ रोपड़ जेल 12 बजे आप बता रहे हैं कि अनुमानित है। सचिन एक सवाल ये है, ये कोविड जांच से जुड़े हुए सवाल है मुख्तार अंसारी के कि कोविड जांच उसकी की गई है यूपी लाने से पहले, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है? आ गई है तो क्या आई है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, इसको लेकर हमने जेल के अंदर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं जेल के अधिकारी हैं उनसे हमने बात की है। मैंने खुद उनको फ़ोन करके पूछा है कि मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं, तो जेल के अधिकारियों ने हमें साफ मना कर दिया है कि हमने अपनी तरफ से कोई कोरोना टेस्ट मुख्तार अंसारी का अभी तक फिलहाल नहीं किया है। हालांकि पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी अभी जेल के गेट तक आए थे, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अंसारी का कोरोना टेस्ट जो है वो किया जा रहा है, बट फिलहाल जो अर्ली मॉर्निंग हमारी बात हुई थी जेल के अंदर अधिकारियों से तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इवन डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर जो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें जो तैनात हैं उन्होंने भी हमें बताया था कि फिलहाल मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट उनकी तरफ से नहीं करवाया गया है। जी ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, सचिन, विवेक और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई खबर, मुख्तार अंसारी इस वक्त रोपड़ जेल में है और अब से कुछ ही घंटों के बाद ये वापस आ जाएगा बांदा और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स दे रहे हैं, चाहे वो रोपड़ जेल हो वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए और हमारे साथ रतीश भी जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे सहयोगी। रतीश, इस पूरे मामले की बात करें, इस मामले को हर कोई देख रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देख रही, पूरे देश की जनता की निगाहें हैं कि क्या होगा यूपी में और इसको लेकर आम जनता में किस तरह की भावनाएं हैं, लोग क्या कुछ इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों की इस पर क्या क्या राय है? बिल्कुल सही कहा राजीव आपने, आम लोगों की बड़ा ध्यान लगा हुआ है इस बात पर कि मुख्तार अंसारी को कब लाया जाएगा, मुख्तार अंसारी को लाने से लेकर के किस रूट से लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, कब वहां से निकलेंगे मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिसकर्मी लेकर के और उसके बाद उसे बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा, कितने घंटे का वक्त होगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी करीब 27 महीने बाद रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जा रहा है, लगातार पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय का गृह विभाग का अगर पत्र हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग का पत्र हो, लगातार पत्राचार में भी उनकी दिलचस्पी रही है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जाना एक बहुत बड़ी इसे कह सकता है कि खबर है और लोग इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानना भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है आखिरकार इस मामले में। सरकारी मशीनरी लगातार लगी हुई है, जैसा कि वीरेश जी बता रहे थे कि लगातार सरकारी मशीनरी इस बाबत ध्यान दे रही है कि किस रूट किन किन रूट से उसको लाया जा सकता है, कितने गोपनीय और सुरक्षित तरीके से मुख्तार को बांदा जेल शिफ्ट कराया जा सकता है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं और सरकारी मशीनरी लगातार लगी हुई है कि सुरक्षित तरीके से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करा दिया जाए लगातार। और अधिकारियों के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विपक्षी दल के भी लोग हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार मुख्तार को शिफ्ट कराने में जो इतना बड़ा समय लगना है उसमें क्या क्या होगा। तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें इस तरीके की लगी हुई हैं कि एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है मुख्तार अंसारी को कोर्ट के दखल के बाद रोपड़ जेल से यहाँ पर शिफ्ट कराने का उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में और उसमें क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। ठीक है रतीश, हम अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास जाएंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास है, एक बड़ी अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे दें, बड़ी खबर मुख्तार की यूपी वापसी से जुड़ी हुई। सीएम योगी इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सीएम को पूरा अपडेट दिया इस बाबत, उन्होंने खुद बड़े अधिकारियों से बात की है, डीजी जेल और डीजीपी से एसीएस गृह ने बात की है, पूरा अपडेट लिया है और वो अपडेट उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। ये बड़ी खबर
अपने ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास चलते हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारियां हैं। बताइए वीरेश, आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि इस पूरे मामले पर नजर मुख्यमंत्री रखे हुए हैं और उनको पूरे इस मामले पर इनपुट अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह दे रहे हैं। उनकी वार्ता लगातार जो पंजाब के प्रशासन है उनसे हो रही है, प्रशासन यानी डीजीपी जो पंजाब के हैं उनसे हो रही है, साथ ही साथ जो जेल मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह उनसे भी अवनीश अवस्थी की बात हुई है। जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि अवनीश अवस्थी लगातार पंजाब प्रशासन और जो राजनीतिक दल हैं यानी जो इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह उनसे भी उनकी वार्ता हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे रोपड़ जेल से सकुशल बांदा जेल पहुंचाया जाए। और सोर्सेस से खबर आ रही है कि 12 से 1 के बीच में वो रवाना होगा बांदा की जेल के लिए। 18 घंटे के रास्ते हैं और मुख्यमंत्री को पल पल की जानकारी दी जा रही है। 9:30 बजे मुख्यमंत्री को सूचना विभाग और गृह विभाग के बड़े अधिकारी इस मामले पर जानकारी देंगे कि किस रूप में रूट चार्ट है, कैसे लाया जाएगा, क्योंकि जो रूट चार्ट वो केवल आपको बताऊं मुख्यमंत्री के अलावा 3 अधिकारियों को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। रूट चार्ट जो 3 था अब 4 हो गया है। एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगातार बदलाव होता जा रहा है और शासन प्रशासन और जो आला अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले की को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उन तक सारा इनपुट्स लेकर पंजाब सरकार से बात करके, वहां के जेल मंत्री से बात करके, वहां के डीजीपी से बात करके, वहां के डीजी जेल से बात करके अवनीश अवस्थी पर्पल की जानकारी। वीरेश, जो बहुत बड़ी खबर आपने दर्शकों को दी है मैं एक बार उसको दोहरा देता हूं। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास सारी इंफॉर्मेशन है, जानकारी उनको दे दी गई है और जो संभावित रूट्स हैं वो भी दे रहा, तो उसमें भी कुछ बदलाव किए गए, 4 कर दिए गए, 4 संभावित रूटों पर चर्चा हुई है और देर रात इस पर चर्चा हुई। इससे पहले हमने देखा कि पूर्वांचल के जो पुलिसकर्मी थे उनको हटा दिया गया, ये भी एन वक्त जाने से पहले ही बदलाव किया गया। एक बार जल्दी से रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी विवेक का जो इस वक्त बांदा जेल में मौजूद है। विवेक, जिस बैरक में उसको रोका रखा जाएगा वो किस तरह की होगी, कैसे सुरक्षा वहां पर और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी राजीव, मुख्तार को जिस बैरक में रखा जाएगा वो चूंकि विधायक है इसलिए उसके लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। जो विधायक को जेल मैनुअल के हिसाब से जो सुविधाएं मिलती है वो दी जाएंगी, उसको अखबार दिया जाएगा, उसके लिए टीवी भी होगा और खाने की व्यवस्था भी होगी। इसके पहले मुख्तार यहाँ पर 12 नंबर बैरक में था, हालांकि इस बार उसको 14 नंबर बैरक में रखने की बात सामने आ रही है। अभी जो जेल अधिकारियों का कहना है कि 14 नंबर बैरक पूरी तरह से तैयार है, 12 नंबर को भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि किस बैरक में रखा जाएगा, चूंकि जेल विभाग के बड़े अधिकारियों से इस पर मंत्रणा होनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि उसको 12 नंबर पर रखेंगे या 14 नंबर पर रखेंगे या कोई और बैरक रखेंगे। अभी शुरुआती तौर पर जब मुख्तार आएगा तो उसको कुछ दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, चूंकि जेल नियम के हिसाब से बंदी को अलग रखा जाता है कुछ दिन के लिए। विवेक, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स कराएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, सचिन आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, रतीश आपका और विनीश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बहुत बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।